वेलकम बैक टू टैगिक्स अड्डा। से पहले भी नाम शायद कुछ नहीं रहा है, अच्छा सो यूज करते हैं। और गाइस प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इसके पास यूरोप और थाईलैंड बेस भी थी, तो उनके दिमाग में कुछ और आ रहा है ना। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टैगिक्स अड्डा। आज मैं लेके आया हूँ एक और नई वीडियो। काफी टाइम हो गया मुझे नई वीडियो लाने में, आई मीन मैं कहीं बिजी था। सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जिसका नाम है कोफोर्स। नहीं पहचाना क्या? अरे यार NIIT टेक्नोलॉजीज, अब तो पहचान लिया ना। यस सो हाँ, आज हम बात करेंगे कोफोर्स, जिसका पहले का भी नाम था NIIT टेक्नोलॉजीज, उससे पहले भी नाम शायद कुछ नहीं रहा है। अच्छा सो इस कंपनी बेसिकली फॉर्म हुई तो 1992 में, तो इसे काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट उसके बाद भी इसने इतनी अच्छी ग्रोथ कर ली है कि इसके भी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 21K प्लस है। सो बेसिकली एक इंडियन कंपनी है। किस बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि इंडियन कंपनी है कि अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, यूरोप बेस्ड कंपनी है, तो बेसिकली इंडियन बेस्ड कंपनी है और इसका हेड क्वार्टर जो है वो ग्रेटर नोएडा में है। काफ़ी अच्छा कैंपस है इसका, वहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम भी है खेलने वाला, पिच है, ग्राउंड है एंड ऑफिस भी काफ़ी बड़ा। गाइस हेडक्वार्टर तो ऑब्वियसली बात है काफ़ी बड़ा ही होगा। आज हम जानेंगे इसमें कि उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास, इसमें टेक्नोलॉजी ये लोग क्या यूज़ करते हैं और सैलरी एंड बेनिफिट्स के बारे में। सो ये जब 1992 में स्टार्ट हुई थी, बेसिकली एक कोचिंग टाइप की कंपनी थी जो पढ़ाती थी, बट उसके बाद इसने IT में एंटर किया। सो 2006 में इसने एक UK बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, UK बेस्ड इंश्योरेंस कंपनी के साथ पहला प्रोजेक्ट किया था जो कि काफ़ी बड़ा था। तो उसके बाद इसने धीरे धीरे फ्रिक्वेंटली एक एडिको स्टाफिंग करके ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्विस फ्रेंच बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडिया की क्या बेसिकली वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट हायरिंग कंपनी है, जो कि एक जॉब प्रोवाइड करती है जस्ट लाइक Naukri.com जिसपे हम लोग यहाँ पे जॉब सर्च करते हैं, वैसे ही यूरोप बेस्ड में एडिको स्टाफिंग करके काफ़ी फेमस है। तो अब बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की, इसके पास कहाँ कहाँ किस किस एरिया के किस किस लोकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं। सो गाइस प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इसके पास यूरोप, मिडल ईस्ट, एशिया, इनफैक्ट इंडिया के भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। तो और टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इसके पास मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी डील करती है और ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी डील करती है, जैसे एयरवेज टाइप के प्रोजेक्ट्स हो गए उसमें काफ़ी डील करती है, और इंश्योरेंस एंड फाइनेंस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी इसके साथ काफ़ी टाइप कर रखा है, तो उसके प्रोजेक्ट्स भी इसके पास काफ़ी अच्छे हैं। तो उसने 2008 में एक ऐसी मल्टी मिलियन डील साइन की थी विद दी ब्रिटिश एयरवेज, जो कि काफ़ी लॉन्ग टर्म है, मानो 2008 से चला आ रहा है और इनफैक्ट अभी तक इसके पास इसका प्रोजेक्ट है। और इसके बाद सबसे अच्छा जो प्रोजेक्ट बोला जाता है वो एयरवेज की हैं, लाइक फ्लाई दुबई, ब्रिटिश एयरवेज, इन सबके काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म है और लोगों को काफ़ी ऑन साइड जाने का भी मौका इजीली मिल जाता है। इसके पास काफ़ी और भी प्रोजेक्ट हैं, जैसे सीटा हो गया, RCL हो गया, सिंगापुर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स कंटेनर्स के रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो शिपमेंट करती है फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया टू यूरोप। और बैंकिंग की बात करें, इसके पास बैंक ऑफ अमेरिका का काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट और सपोर्ट भी है, दोनों टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं। एंड एक चीज़ और, अगर आप NIIT में जाना चाह रहे हैं, कोफोर्स में जाना चाह रहे हैं, तो आपको पासपोर्ट रेडी करना पड़ेगा। इसमें एंटर करने के लिए पासपोर्ट मस्ट है, इसके बिना आप एंटर कर ही नहीं सकते। क्या बात कर रहे हैं लोग, सबसे पहले जब भी इंटरव्यू देते हैं आप, तो HR हमेशा फर्स्ट क्वेरी यही करते हैं कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। इनफैक्ट जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें भी ये पासपोर्ट नंबर मांगता है। अदरवाइज आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप अप्लाई कर दीजिए और उसके साथ जो उनके रिसिप्ट होती है वो शेयर कर दीजिए कि पासपोर्ट अभी बन रहा है, तो ताकि उनको पता लग जाए कि ठीक है 2-3 महीने में बन के आ जाएगा। बट विदाउट पासपोर्ट आप कोफोर्स में जा ही नहीं सकते, क्योंकि इसका रीज़न ये है दोस्तों कि इनके पास जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं तो ये ऑलरेडी क्लाइंट्स इतना टाइप करके रखते हैं कि वहाँ पे क्लाइंट लोगों को बुलाता ही है, एम्प्लॉयज़ को मीन्स, तो उनकी ऑन साइड अपॉर्चुनिटीज काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट मैं भी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुका हूँ, कोफोर्स में ही, बेसिकली दी सिंगापुर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कंपनी थी और थाईलैंड बेस भी थी, तो उनके दिमाग में कुछ और आ रहा है ना, तो वहीं पर खत्म कर दो चीज़ को। हाँ तो आइए पॉइंट्स में आते हैं। तो थाईलैंड बेस जो कंपनी थी जिसमें कि हर एक 2 महीने में एक बंदा 1 महीने के लिए जाता ही था ऑन साइट और वहाँ से रिक्वायरमेंट क्रिएट करके देन वापस आ जाता, फिर कुछ फेजेस में हम डेवलपमेंट करते थे, उसका दोबारा रिलीज होने के बाद दोबारा जाता था वहाँ पर कुछ टाइम के लिए सपोर्ट देने के लिए। तो एक बेसिक सा उनका वो रहता है
और इसमें कोई ये भी नहीं है फ्रेंड्स कि अगर आपको इतना ही एक्सपीरियंस है तभी आप जा सकते हो या आपको 5+ एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया है और 4 साल एक्सपीरियंस होते हैं वो लोग फ्लाई कर चुके हैं यूके में, दुबई में, दुबई में तो इनफैक्ट जाते ही रहते हैं, यूके में भी जाते रहते हैं, बस यूएस का थोड़ा आजकल वीज़ा के इशू चल रहा है तो यूएस का थोड़ा लगना मुश्किल है, अदरवाइज फ्लाई तो करते ही रहते हैं लोग। सो अब बात करते हैं टेक्नोलॉजीज की। टेक्नोलॉजीज आजकल के लोग टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं और देने भी चाहिए, क्योंकि यार जिस पेस पे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो हमें लगता है कि हम ओल्ड टेक्नोलॉजी पे स्टे करके अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे, राइट। सो टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये ओल्ड से लेके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। आई मीन काफ़ी प्रोजेक्ट इनके पास जो मैन्युफैक्चरिंग के हैं जो बहुत ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो वो स्टर्ट EJV में बन रखे हैं, बट काफ़ी जो न्यू रिक्वायरमेंट आ रही हैं जैसे कि बैंकिंग का आ रहा है या फिर कोई ऐसी रिएक्टिव साइट्स आ रही है तो वो ज़्यादातर रिएक्ट और एंड्रॉइड JS यूज करके लोग डेवलप कर रहे हैं, और बैकएंड में तो जावा और यूज़ होता ही है। हाँ एक चीज़ और, ये लोग ओरेकल साइट पे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, जितने भी एशिया बेस्ड क्लाइंट्स होते हैं ना वो बैकएंड उनका ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो बैकएंड पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं एज कम्पेयर टू जावा। मीन्स बैकएंड मेरा मतलब है कि ओरेकल साइट पे, DB साइट पे, तो अगर आपका वो एरिया भी स्ट्रांग है तो आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी उसमें इजीली एंटर करने की और प्रोजेक्ट्स लेने की। क्लाउड की बात करें तो AWS का भी यूज होता है, Azure भी यूज हो रहा है और GCP भी यूज हो रहा है, मतलब इनके पास सारे सब टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं इजीली। एंड सेकंड चीज ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी इनके पास काफी हैं, बट ये डिपेंड करता है कि आपको टाइम मिलता है करने का कि नहीं मिलता है, अदरवाइज इनके पास काफी है। तो गाइज अब बात करते हैं रिव्यूज की। आई मीन रिव्यूज मीन्स वर्क सेटिस्फेक्शन को लेके, सैलरी को लेके, एम्प्लॉयज के कैसे रिव्यूज रहे हैं बाकी एम्प्लॉयज के, वो उसकी बात करते हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है वर्क लाइफ बैलेंस, जिसके लिए आज के टाइम में तो लोग इतना मतलब और रहे भी क्यों ना यार, अगर वर्क लाइफ बैलेंस सही नहीं है तो फिर ऐसे करने का क्या फायदा, राइट। कोई कोई लोग होंगे जिस चीज से ऑब्जेक्ट करते होंगे पैसे सब कुछ है, बट मेरे अकॉर्डिंग हर चीज पैसा नहीं है, बट पैसा भी इंपॉर्टेंट है, बट आपको अपनी हेल्थ भी इक्वली देखनी चाहिए। सो वर्क सेटिस्फेक्शन की बात करें तो उसको रेटिंग दूंगा मैं 3.6, बिकॉज काफी मिक्स रिव्यूज है, जैसे कि एशिया बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं गाइस, वो क्लाइंट मतलब हाँ में हाँ चाहिए उनको, आप मतलब कि ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते कि ये चीज ऐसे नहीं होगी, इसको ऐसा करना पड़ेगा, वो उनको ही रहता ही है कि नहीं इसको मुझे इस तरीके से करना है तो इसी से ही करना है। और इनफैक्ट कुछ मैनेजर्स भी ऐसे होते हैं, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, कुछ ऐसे होते हैं जो हाँ में हाँ मिलाते हैं, मतलब इनफैक्ट बहुत तो क्लाइंट की चाटते हैं यार, सॉरी ये वर्ड यूज करने के लिए, बट है इनफैक्ट ये रियलिटी है। क्लाइंट अगर बोल दिया अभी चाहिए तो उनको अभी ही चाहिए, तो एशिया में थोड़ी काफी मारामारी रहती है प्रोजेक्ट्स की। हाँ अगर आपको यूरोप बेस्ड प्रोजेक्ट मिल जाता है, फ्लाई दुबई हो गया, ब्रिटिश एयरवेज हो गया, कोई इंश्योरेंस डोमेन का, तो आप थोड़ा सेटिस्फाई रहेंगे। बात करूँ पेन बेनिफिट्स की तो यार ये पैसा तो काफी अच्छा दे रही है, अगर आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर है, रिएक्ट का हो गया या AWS को हो गया, अच्छा एक्सपोजर है तो पे स्केल तो अच्छी दे रही है। अभी भी ये 3 to 5 years के लोगों को 17 से 19 का पैकेज दे रही है और 7+ लोगों को 26 का भी दे रही है, बस आप पे डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी भी इन्होंने यार iPad मारा है यार, ये नीस तो काफ़ी फेमस हुई है, कम से कम कितने समथिंग करोड़ उन्होंने रिजर्व किए थे सिर्फ iPad बांटने के लिए। इनफैक्ट iPad मिले भी हैं, मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो उसमें करते हैं अभी भी, तो उनको भी iPad मिले हैं। हर चीज़ का बेनिफिट और डिसएडवांटेज तो रहता ही है। अब जो लोग वहाँ पे इन्होंने स्विच नहीं किया तो उनको iPad मिल गया है। अभी कभार तो ये ऐसे समझते हैं ना एम्प्लॉयज को काम करवाने में कि बस। अब मैं बात करता हूँ अपने पास्ट एक्सपीरियंस की, क्योंकि मैंने भी वहाँ पे 1.5 ईयर काम किया है, तो मेरा ऑनसाइट जाने का भी हो रहा था, बट सडनली 2020 में कोरोना आ गया, COVID-19, जिसके लिए आप सब जानते हैं। तो के पास ज्यादातर प्रोजेक्ट्स उस टाइम पे ट्रैवलिंग के थे, ट्रैवलिंग एंड होटल मैनेजमेंट, तो वो सारे पे बंद हो गया था, तो इनको काफी फाइलिंग भी करनी पड़ी थी। सो आप अगर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो एक बार अपने फ्रेंड्स को आप पूछ लीजिए करंट वो क्या चल रहा है सिनेरियो, क्योंकि कभी कभार अप डाउन चलता रहता है। बाकी आप कमेंट करके बताइए कोई लेटेस्ट न्यूज जो आपको पता लगी हो, मैंने ना बताई हो। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो थोड़ा सा भी, इनफैक्ट 50% भी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए कि क्या मिस है, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बिना सब्सक्राइब के देख के चले जाते हैं। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, उनका भी कुछ फायदा हो जाएगा यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।